अमृतसर के अजनाला कस्बे के गांव चमियारा में 4 महीने पहले हुए ऑनर किलिंग के चलते लड़की वालों द्वारा लड़की से फोन करवाकर लड़के को बुला उसकी हत्या कर शव को खुर्द बुर्द कर देने के मामले में पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों का आरोप है कि इस मामले में पुलिस द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं मृतक लड़के का शव 4 महीने से अजनाला के मुर्दा घर में पड़ा संस्कार का इंतजार कर रहा है। पीड़ित परिवार द्वारा इंसाफ ना मिलने के चलते राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष पेश होकर अपना दुखड़ा सुनाया गया, जिस पर आयोग ने अमृतसर देहाती पुलिस के उच्च अधिकारियों को तलब किया कि इस मामले में पीड़ित परिवार को उनके बेटे का शव सौंप दिया जाए और IG बॉर्डर रेंज को निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले में SIT बनाए और 15 दिन के अंदर आयोग को रिपोर्ट सौंपे। मामला यह होया भी पिंड चमियारी तो कुड़ी ने अपने मापिया ना मिल के ते कुड़ी मुंडे नू घर सद्या, घर सद के ते इन्होंने घरों सद के मुंडे मेरे नू मार दिता, वड फट के गटर च 4 दिन सुट छड़िया। बाद च इन्होंने पुलिस वाले की रैल लैके ते इन्हें साडे पुत की लाश बाहर सुट आया। 7वें महीने 5 तरीक नू मारिया ते 5 तरीक नू सानू लाश लभी है। अहीं इहो मंग करदे आ भी साडे पुत दा इंसाफ होना चाहीदा। इह कातल अंदर होने चाहीदे, चाचे ते उहनां दे मुंडे अंदर होने चाहीदे। हो रही है, जो डेड बॉडी मिली थी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया है। एग्जामिनेशन के बाद जो उसका पिंजर था वो हमें मिल गया है। आज हमने कह दिया है जो वारस है उनके कि वो ले लें थाने से आकर, उसका जो भी अंतिम संस्कार करना है वो कर लें। दूसरा, तफ्तीश दौरान सिर्फ बलदेव सिंह के खिलाफ ही सबूत मिले हैं, परंतु मुदई ये कह रहा है कि और भी लोग इसमें शामिल हैं। अब रिपोर्ट हमने सबमिट कर दी है, ऐसी कमीशन क्या आदेश देता है उस पर हम वेट करेंगे। सबूत मिले हैं उसके आधार पर तो ये सामने आया है मामला कि लड़की और लड़के का आपस में कोई इलिसिट रिलेशन थे, जिसके कारण बाप ने उनको अतराजोग हालत में देख लिया था, तो उसी के कारण ही जो वो लड़की की मौत हो गई। आज तमाम अधिकारियों को बुलाया गया था, मोगा के मामले थे SSP मोगा को, DC मोगा को बुलाया गया, और अमृतसर के मामले थे डिप्टी कमिश्नर अमृतसर को बुलाया गया था, और कुछ अमृतसर रूरल के मामले थे देहाती पुलिस के और SSP देहाती को भी बुलाया गया था। तमाम केसेस की जो है वो मैंने सभी से जानकारी की है, इन्वेस्टिगेशन किया है और ज़रूरी जो भी हदायतें हैं अधिकारियों को दी हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी है और कार्रवाई के लिए बोला है। जहाँ तक सवाल अजनाला का मामला है और ये जो डेड बॉडी मिली है, जो कि उसको ऑनर किलिंग कुछ बोलते हैं लोग, कुछ लोग कहते हैं कि उसका कत्ल हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है, लेकिन उसके बारे में मैंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि उसके 2 बाजू नहीं मिले हैं, और अभी तक थाने में 4 महीने से उसकी बॉडी पड़ी हुई है जिसका संस्कार नहीं हुआ है। और मैं महसूस करता हूँ कि यह धार्मिक भावना को ठेस वाली बात है, और उसकी इंक्वायरी जो है मैंने कहा है कि चाहे उसके 2 बाजू नहीं मिले हैं, पुलिस ने जो आइडेंटिफाई किया है अभी तक वो एक ही व्यक्ति को किया है, उसके फादर को कहा है कि उसने इसका कत्ल किया है, लेकिन उनका यह कहना है कि क्योंकि उसके बाजू भी नहीं है, अकेले आदमी का काम नहीं है और इसमें और भी लोग शामिल हैं, तो मैंने IG पुलिस को ये कहा है कि इसके लिए वो सिट बनाए, ज्वाइंट जो है इन्वेस्टिगेशन टीम एक गठित करें सीनियर पुलिस अधिकारी के अध्यक्षता में, और उसकी रिपोर्ट जो है विद इन 15 डेज वो देंगे।